वेलकम बैक फ्रेंड, दोस्तों नमस्कार। ब्रेकिंग गुड न्यूज़ है फ्रेंड, सुबह सुबह एक न्यूज आ गई है, देख लीजिए। और भर्ती बोर्ड ने ये अपडेट कर दिया है कि न्यू वैकेंसी आपकी जल्दी फिल होगी। यहाँ पे देखिए, एग्जाम इसके कराए जाएंगे। टोटल कितने हैं इस वीडियो में बहुत ज़्यादा हम क्लियर करने वाले हर चीज़ को। कट ऑफ बता देंगे, उसमें भी प्रीवियस ईयर कट ऑफ, और इसमें बात करेंगे UPSI, घुड़सवार, फायरमैन और न्यू वैकेंसी, और जो ये 49,500 वाली वैकेंसी है इसकी मेल फीमेल दोनों की वीडियो की बात करेंगे। मेडिकल की बात करेंगे, तो वीडियो स्किप मत करना, वीडियो को पूरा आराम से देखना, स्किप बिल्कुल मत करना। और आपसे रिक्वेस्ट है, जो नए बच्चे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस पर कंटिन्यू तैयारी की जाएगी और एग्ज़ाम आपका जल्द होगा, क्योंकि 49,568 की वैकेंसी पूरे कंप्लीट कर ली गई है। अब उनका मेडिकल रह गया है और दो बच्चे कुछ नंबर से रह गए, एक दो तीन, उनके लगभग 9,000 बच्चे छट गए हैं। निराश मत होना, इसमें भी आपका सिलेक्शन होगा, तकरीबन 6,000 बच्चों का होगा, और जो बोले वही होगा, 6,000 प्लस वैकेंसी खाली जाएगी, हर हाल में खाली जाएगी, कोई रोक नहीं सकता मेडिकल में, क्योंकि बच्चे इतने छट जाते हैं, इससे ज़्यादा छटते हैं। तो याद रखना, जो 9,007 इसमें है, 9,007 बच्चे बाहर हुए, इसमें से तकरीबन 6,500 बच्चे सिलेक्शन होगा इसमें से। तो लास्ट तक बने रहना, वीडियो को स्किप मत करना, और मेडिकल जैसे होगा उसकी भी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। पूरी इस स्मार्ट स्टडी से आपको पूरी फुल इन्फॉर्मेशन जानकारी कंटिन्यू मिलती रहेगी, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं, एग्ज़ाम आपका कब होगा, न्यू वैकेंसी आ गई है किसकी, UPSI की, पूरा पेपर में छा गया है। ओके, इसीलिए लख रहे थे कि वैकेंसी पूरा क्लियर हो जाए 49,568, तुरंत हम इसको नोटिफिकेशन जारी करेंगे। तो देख लीजिए, पेपर में भी पूरा आ चुका है, हम आपको पढ़ के न्यूज़ बताते हैं, उसके बाद सारा डाउट क्लियर करते चलते हैं। ओके फ्रेंड, यहाँ पे देखिए फ्रेंड, पुलिस को 49,568 सिपाही मिले, 12,000 भर्तियां जल्द, एक गुड न्यूज है फ्रेंड आपके लिए, 12,000 भर्तियां जल्द। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड, आपका एक दो महीने के अंदर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। याद रखना, तैयारी प्लीज़ कर लेना, नहीं तो भर्ती बोर्ड जो है एग्ज़ाम बहुत जल्दी लेता है। अब कंपनी कौन सी कराएगी, TCS, जो कंपनी अभी डाटा आपको सौंपी है, यही TCS कंपनी आपका एग्ज़ाम कराएगी, जो ऑलरेडी से आप एग्ज़ाम दे चुके हैं, सेम वैसे पैटर्न पर एग्ज़ाम होगा। सिलेबस भी बता देंगे आप सबको, पहले वीडियो को देख लेना, और प्रीवियस ईयर जो कटाव SI की गई थी सब कुछ बता देंगे, पूरा सब कुछ डाटा हमारे पास है। ओके फ्रेंड, यहाँ पे देखो, मिले यहाँ पे पुलिस को 49,568 सिपाही मिले, इतनी है जल्द। यहाँ पे देखिए, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, ई न्यूज़, सभी पे छाया हुआ है पेपर, योगी आदित्यनाथ ने, देख लीजिए, आपको जूम करके पढ़ के समझाते हैं, देख लीजिए। यहाँ पे हिंदुस्तान जॉब्स, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पुलिस और PSC 49,568 सिपाही और मिल गए, यानी 49,568 सिपाही और मिल गए। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती ने इन सिपाहियों की भर्ती परीक्षा अंतिम परिणाम सोमवार को जारी कर दिए। साथ ही प्रदेश पुलिस व कारागार विभाग जल्द ही 11,428, यानी तकरीबन 12,000 की भर्तियां करने की घोषणा कर दी गई है, फ्रेंड जल्दी आपका एग्जाम होगा। 6,000 महिलाएं सिपाही भर्ती परीक्षा में गाजीपुर के अनुसूचित जाति, देख लीजिए। और आगे देखते हैं, यहाँ पे ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, सब वही खबर लिखी हुई है जो 49,000 रिलेटेड है। यहाँ पे देखिए, 4 श्रेणियों, 36 आरक्षण के 41, देखें 31,360 पद सिविल और 15,681 अन्य, मतलब जनरल के, और टोटल यही सब देखेंगे तो वही सब बता चुके हैं ऑलरेडी से, 18,802 PSC टोटल इतने बच्चे सिलेक्शन हुए हैं, आपको बता चुके हैं ऑलरेडी से कल ही वीडियो में। एक बात बताते हैं आपको, ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप सबके लिए। निराश मत होना, जो बच्चे सिलेक्शन नहीं हो पाए कुछ नंबर से, तो याद रखना आपकी लिस्ट आएगी, जारी होगी, फिर से मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो सबसे पहले स्मार्ट स्टडी लेके आएगा, देख लेना फ्रेंड, सब कुछ लिस्ट लेके आएंगे। और कुछ दिन थोड़ा इंतजार कर लीजिए, उसके पहले आपका एग्जाम हो जाएगा, उसमें भी आपका सिलेक्शन होगा, इसमें भी आपका सिलेक्शन होगा, तो प्लीज़ कंटिन्यू तैयारी करते रहना, बिल्कुल भी लापरवाही मत करना, एग्जाम हो जाएगा। ऐसे होता है ना, कम नंबर इसी कारण आ जाते हैं, क्योंकि एग्जाम जल्दी से भर्ती बोर्ड करा लेता है, इसी को लग रहा था कि ये कंप्लीट हो जाए भर्ती, मैं तुरंत इसका एग्जाम लूँगा, तो नोटिफिकेशन आ जाएगा एक दो दिन में, देख लीजिए, पूरा पेपर में आउट हो चुका है, ये न्यूज़ घोषणा हो चुकी है। यहाँ पे देखिए, इन पदों पर होगी नई भर्तियाँ, सब इंस्पेक्टर यानी SI, सोचो SI, इस ऊपर डुपर नौकरी है, स्टार 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 लगा लेना पूरा। यहाँ पे लगा लेना स्टार लगा के, स्टार वाली नौकरी है, सब इंस्पेक्टर देख लीजिए, 5,623 बहुत ज़्यादा है। अगले इस बार प्रीवियस ईयर आई थी शायद समथिंग 3,000 आई थी, जिसमें से तकरीबन 1200-1300 सीट खाली जा चुकी थी, बहुत ज़्यादा उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया था बच्चों को, तो पैटर्न चेंज हो गया है, उस पैटर्न भी चेंज हो चुका है सिलेबस का। हो सके निगेटिव मार्किंग होगी, तो जो 50% पास होना था सब सब्जेक्ट में वो हट जाएगा, बहुत ही ज़्यादा बड़ी बिग न्यूज़ होगी, तो आपको समझाते चल रहे हैं, देख लीजिए। सब इंस्पेक्टर 5,623 पद आएंगे जल्द, और बंदी रक्षक यानी जो आप फॉर्म ऑनलाइन कर चुके हैं, घुड़सवार, पुलिस, फायरमैन, ये सारों मिला लोगे टोटल को, तो 12,000 तकरीबन है, 12,000 की भर्तियाँ जल्द, ये आपकी जो मार्च चल रहा है ना, 15 मार्च या 20 मार्च तक सब कुछ आ जाएगा ज्ञापन, और एग्ज़ाम जो घुड़सवार, फायरमैन, ये सब हैं बंदी रक्षक, जेल वार्डर का, ये सारे एग्ज़ाम जल्दी से हो जाएंगे अप्रैल मार्च तक, या
नोटिफिकेशन आ जाएगा एडमिट कार्ड का और अप्रैल में एग्जाम ले लिया जाएगा। और जो इसकी वैकेंसी एसआई की सबसे सुपर डुपर नौकरी है एसआई की, ये इसी मार्च में आ जाएगी, 20 मार्च से पहले आ जाएगी 15। तो प्लीज़ 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 तैयारी करते रहना, स्किप मत करना इस पर वीडियो पे, हम इसको कंटिन्यू इस पर तैयारी करवाते रहेंगे। और प्रीवियस ईयर का पूरा शिफ्ट हमारे पास टोटल पेपर है, उसको हम जितने सारे क्वेश्चन हैं रीजनिंग के और आईपीसी के, जीके के और साइंस के जितने सारे क्वेश्चन हैं हम सब कुछ करा देंगे। आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिएगा, आप पेपर देके आइएगा, आराम से मिला लीजिए, क्वेश्चन आराम से इसमें से फंस जाएगा। तो डरिएगा मत, आराम से तैयारी करते रहना, ज़्यादा टफ पेपर नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। और इसमें तो और ज़्यादा टफ नहीं होगा, यूपीपी जैसे सेम एग्जाम हुआ है, जेल वार्डर का सेम वैसे एग्जाम होने, 150 क्वेश्चन आएगा, 150 क्वेश्चन आएगा, प्रति क्वेश्चन का 2 नंबर मिलेगा, 300 नंबर का आपका पेपर होगा। और सब्जेक्ट क्या होगा बता दे रहे हैं, सब्जेक्ट क्या होगा फ्रेंड, सबसे पहले जीके, जीके वही सेम रहेगा, उसके बाद आएगा हिंदी, फिर उसके बाद आएगा मैथ, फिर इसके बाद आएगा रीजनिंग, चार सब्जेक्ट होंगे, चार सब्जेक्ट सब्जेक्ट में आपको स्कोर लाना होगा, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। डोंट वरी, डरिएगा मत, जो 49,569 में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ 9,007 बच्चों का, तो डरे नहीं, आपका इसमें भी सिलेक्शन होगा, बता दे रहे हैं 6,000 सीट जो है, 6,000 प्लस, देख लेना मेडिकल में फिर से ये बच्चे बुलाए जाएंगे जो 9,007 बच्चे फेल हुए। हम आपको बताए थे अगर बच्चे को ज़्यादा लेंगे तो एक भी बच्चा फेल नहीं होगा ज़्यादा, बिल्कुल भी गलत कर दिए भर्ती बोर्ड ने, फिर गलत किया भर्ती बोर्ड ने, बहुत ज़्यादा गलती की है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था फ्रेंड, जो कि फिर वही कोर्ट में चली जाएगी, फिर उनको भी झेलना पड़ेगा। देख लेना वो सुनवाई जो 41,520 की, जल्दी उसका परिणाम आ जाएगा और आपके ही पक्ष में आएगा। अगर वो आपके पक्ष में आ जाएगा तो इसको कोई नहीं रोक सकता, भर्ती बोर्ड भी नहीं रोक सकता, इनका फिर से मेरिट डाउन करके ये बच्चों को लेना ही पड़ेगा। तो 100% थोड़ा सा सब्र का इंतजार करिए, इसमें आपको हो गया है, सिर्फ पॉइंट्स रह गया तो कोई दिक्कत नहीं, आपका सिलेक्शन होगा। तो प्लीज़ उसके लिए मत रुकिएगा, उसके लिए नहीं रुकना है, उसके लिए नहीं रुकना है बिल्कुल भी, आप तैयारी करते रहना, आपका एग्जाम उसके चक्कर में भी एग्जाम गड़बड़ हो जाएगा, तो ऐसा मत करना, क्योंकि एसआई की नौकरी सबसे सुपर डुपर होती है, स्टार लगा के लिख लेना, सीनियर 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 रहोगे आप सबसे ज़्यादा। तो प्लीज़ इसको स्किप मत करना, ज़्यादा टफ पेपर बिल्कुल भी नहीं होगा, तो वैकेंसी भी बहुत ज़बरदस्त है, तो पैटर्न में आपको देखने को बदलाव मिलेगा, पैटर्न को पूरा हम सब कुछ वीडियो बना देंगे, बता देना तो एक सेपरेट वीडियो अच्छे से बना देंगे, यूपी एसआई अलग से बना देंगे, खिचड़ी नहीं होगी जो तरफ से जो मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बिल्कुल भी खिचड़ी नहीं करूंगा, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। और देखिए न्यूज़ में दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए फ्रेंड, सिपाही भर्ती 23 लाख अभ्यर्थियों में से 58,000 ने पास की थी दौड़, देख लीजिए सोचो कितनी बड़ी बात है ना, आप लोग 58,000 में आपका सिलेक्शन हुआ था, 23 लाख बाहर यानी 23 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे, इतना लकी हैं सोचो, आपने सोचो डिमोटिवेट कैसे हो सकते हैं, आप तो एग्जाम क्वालिफाई हुए हैं, कोई कह सकता कि आप फेल हों, ये तो मेरिट में 1-2 नंबर से फेल हो गए हैं, वो भी अगर ज़्यादा भर्ती बोर्ड मेडिकल के लिए, उनको पता है कि बच्चे मेडिकल में फेल होंगे फिर भी, लेकिन भर्ती बोर्ड ने गलती किया है, इनको पता है कि 6-7 हज़ार बच्चे फेल हो जाएंगे, तो लेना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा उनको, देख लेना। और जो सबको नौकरी मिलेगी देख लेना, जितने बच्चे हैं नीचे वाले उनको भी नौकरी मिलेगी कैटेगरी वाइज से, ओके फ्रेंड, यहाँ पर देख लेना 58,000 बच्चे पास हुए जो कि बड़ी बात होती है, 23 लाख में, 23 लाख में नंबर लाना। उसके बाद देख लीजिए, कट ऑफ तय होने के बाद जगह बनाने से चूके लगभग 9,000 अभ्यर्थी, कोई दिक्कत नहीं, इनका भी सिलेक्शन होगा, जॉम यहाँ पे लेते हैं, जॉम आउट करते हैं। यहाँ पे देखिए, नागरिक पुलिस 31,360 कटाव देख लीजिए, श्रेणीवार यहाँ जर्नल ओबीसी एससी एसटी देख लीजिए, कुल पदों की संख्या उनके और टोटल कटाव देख लीजिए, 193 सिविल पुलिस में, 185 ओबीसी, 159 एससी, 131 पेपर में दिया है सब ऑफिशियल पेपर में देख लीजिए, 131। और पीएससी में देख लीजिए, जनरल ओबीसी एससी एसटी, इसमें महिलाओं की सीट नहीं होती, महिलाओं की सीट नहीं होती पीएससी में। कुल पद देख लीजिए, टोटल दिया है यहाँ पे कटा दिया, 180 176 149 120 सब कुछ कटा फाइनल हो चुका है। और इस न्यूज़ में देखिए, यहाँ पर देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, जल्द भरे जाएंगे 11,428 यानी तकरीबन 12,000 पोस्ट जल्द भरे जाएंगे, और आपका एग्ज़ाम मार्च में आपका नोटिफिकेशन एसआई का जाएगा, और आपका एग्ज़ाम जो है अप्रैल में जो घुड़सवार फायरमैन जो ऑनलाइन बच्चे करें उसका एग्जाम आराम से हो जाएगा। तो डरिएगा मत, ज़्यादा कटाव उसमें भी नहीं जाएगी, आप ही लोग हैं जो बच्चे 1-2 पॉइंट्स रह गए वही सब हैं उसमें जाएंगे, ओके। तो यहाँ जो जिनका सिलेक्शन हो गया वो बिल्कुल नहीं जाएंगे 49,568, तो याद रखना आप ही लोग हैं। यहाँ पे देखिए, विश्वकर्मा ने बताया कि पुलिस महकमे में विभिन्न श्रेणी 11,428 पदों पर भर्ती प्रक्रिया, उप निरीक्षक 5,623 पद, जेल वार्डर बहुत ज़्यादा है सब है, एसआई तो सबसे ज़्यादा है, सोचो इसमें सिलेक्शन हो जाएगा समझो उससे तो 3-4 रैंक ऊपर ही रहेंगे आप लोग। तो चलिए देखिए, योगी राज में 1.37 लाख भर्तियाँ पूरी, अभी देख लीजिए एसआई की सब 12,000 कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आएगी आपकी 52,000 आएगी, जो इसमें भी आपका सुपर डुपर सिलेक्शन होगा। तो डरे नहीं, पूरा देख लीजिए, ये ब्यौरा पूरा दिया है, इसको ब्यौरे को पढ़ेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी फ्रेंड। यहाँ पे देखिए, बाकी मुन्ना भाई पकड़े गए, FIR दर्ज हो गई, सिपाही भर्ती 2018 में कुल 23 लाख अभ्यर्थी ने आवेदन किया था, 19 लाख एग्जाम दिए थे,
और यहाँ पे देखिए टोटल 1,23,000 बच्चे क्वालिफाई हुए थे, डीबी पीएसटी कराए, उसके बाद 58,000 टोटल पास हुए, फिर फाइनल मेरिट लगी, इतने बच्चे 9,007 बच्चे बाहर हो गए, उसके बाद और 49,568 सेलेक्ट किए। अब फिर उसके बाद भर्ती पहाड़ सा ले लिए हैं कि फिर से चलो अब कोर्ट में दौड़ लगाओ, 100% कोर्ट में वैकेंसी चली जाएगी। क्यों चली जाएगी? पूरी नहीं जाएगी, जो बच्चे सिलेक्शन है वो घबराए नहीं, उनका होगा, जो नीचे वाले बच्चे हैं जो मेडिकल में छंट जाएंगे उनका फायदा होगा, नीचे वाले बच्चों को, तो ए बी टी उनके खिलाफ नहीं, मतलब कि जो 49,000 पास, उनको तो कंग्रेचुलेसन जो पास हो गए हैं बच्चे, उनको बहुत कंग्रेचुलेसन। और जो बच्चे 5-6 हज़ार, जो 9,000 फेल हैं, जो नीचे वाले हैं 7-6 हज़ार, इसमें से सिलेक्शन होगा। तो याद रखना सिलेक्शन 100% होगा, वैकेंसी खाली नहीं जाने देंगे, वैकेंसी बोर्ड खाली नहीं जाने देगा। और कौन नहीं जाने देगा? कोर्ट, कोर्ट ये फैसला आपके पक्ष में सुनाएगा और 41,520 का फैसला आपके ही पक्ष में आएगा। तो फ्रेंड वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, पॉइंट से बच्चे रह गए कुछ मत करना, एग्जाम आपको देना है, फिर से आपको निकालना है। कल मोटिवेट के थ्रू आपको एक वीडियो प्रोवाइड किए थे, उसमें सब कुछ डिटेल में क्लियर कर दिए थे, तो मोटिवेट रहना, बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। आपका सिलेक्शन इसी साल होगा 2020 में, इसमें ही जॉब लगी आपकी, तो कितना ज़्यादा है सोचो। इनकी ट्रेनिंग अभी भी नहीं स्टार्ट हुई है, ट्रेनिंग भी लगभग तकरीबन 2021 में होनी है ट्रेनिंग, तो बहुत ज़्यादा लंबा समय है, तब तक इसका जो है एग्ज़ाम आपका हो जाएगा आराम से, इसका भी एग्ज़ाम हो जाएगा। तो डरिएगा मत, आराम से रहिएगा, कूल होके, सब पेपर में दे दिया है, तो ये जल्दी आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, और जैसे आएगा स्मार्ट स्टडी चैनल आपके सामने रख देगा, और सब कुछ पूरा हम डाटा बता देंगे, सिलेबस तक पूरा हर चीज़ टोटल क्लियर कर देंगे। सिर्फ पैटर्न में थोड़ा सा चेंज होगा, वो चेंज होगा आपके ही पक्ष में, तो ज़्यादा टफ नहीं होगा, पहले तो ज़्यादा टफ था यूपीएससी का निकालना 50%, इसमें संशोधन करके कम कर दिया गया, अगर इसमें निगेटिव मार्किंग कर देंगे तो बहुत अच्छा है, सारा प्रक्रिया जो 50% कैटेगराइज, 200 नंबर लाना, ये सब कुछ हट जाएगा, तो जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम होता है सेम वैसे होगा। तो डरिएगा मत प्लीज़, यहाँ पे देखिए पूरा न्यूज़ टोटल देख लीजिए, सब न्यूज़ में दिया है टोटल, यहाँ पे देखिए फ्रेंड पूरा न्यूज़ में छा गया है, सब यूट्यूबर बना देंगे, तो याद रखना यूट्यूबर वाले फर्जी नहीं बनाते, आप लोग के लिए हमेशा साथ हैं, जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है सबसे पहले यूट्यूबर वाले ही लेके आते हैं, तो आप सबको यूट्यूबर वाले ही प्रोवाइड कराते हैं। तो डरिएगा मत प्लीज़, लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, बिल्कुल भी नफरत और ये सब मत पालना कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा, प्लीज़ इस सब मत करना, फालतू की चीज़ें हैं, इस पर ध्यान मत देना, आप लोग का सिलेक्शन होगा आराम से और गर्व से आपका सिलेक्शन होगा। स्मार्ट स्टडी आपके साथ है, आई विश यू आपके 2020 में यानी 2020 में आपका सिलेक्शन श्योर होगा। तो जितनी सारी वीडियो आएंगी प्लीज़ बात करना, सिलेबस वाइज हम सिलेबस लेके कटाप पूरा सब कुछ बता देंगे, प्रीवियस ईयर तैयारी भी करवाते रहेंगे कंटिन्यूमस, एकदम आराम से पढ़िएगा, एकदम धुआं धुआं कर देंगे, अब टेंशन मत लेना, सिलेक्शन आपका ही होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो आएगी सब कुछ डिटेल में, उसको बाद काउंट करने के बाद 49,568 पे फिर वीडियो बनाएंगे मेडिकल से रिलेटेड, और सारी जिसमें कुछ गलतियां रहेंगी उसमें उसके बारे में बताएंगे। ओके फ्रेंड, तब तक आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, धन्यवाद।